मणिपुर कांड में किरकिरी के बाद यूपी पुलिस अब एक्शन में है। लखनऊ के सरोजनी नगर में ठीक इसी जगह एसटीएफ ने मुख्तार अंसारी गैंग के कुख्यात शूटर राकेश उर्फ हनुमान पांडे को गोलियों से छलनी कर दिया। अपने साथियों के साथ 1 लाख के इनामी राकेश पांडे के लखनऊ कानपुर हाईवे से गुजरने की खबर के बाद पुलिस ने उसे घेरा। दोनों तरफ से फायरिंग के कुछ ही मिनटों बाद राकेश ढेर हो गया। सूचना मिल रही थी बनारस एसटीपी बनारस यूनिट को कि इस बदमाश की और यहाँ की टीम और बनारस की टीम दोनों इसे चेज कर रही थी। यहाँ पर आकर ये पेड़ से गाड़ी इनकी टकराई है, जहाँ आप देख रहे हैं, और इसमें 5 बदमाश थे और इनके द्वारा बदमाश द्वारा गाड़ी टकराई गई तो इनके द्वारा फायरिंग की गई। क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। इस बदमाश का नाम हनुमान पांडे उस राकेश पांडे है। पुलिस को राकेश की तलाश 2005 के बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी थी। राकेश के साथ उसके 4 साथी भी इस इनोवा में सवार थे, लेकिन वो भाग निकले। बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या के बाद फरार चल रहे कुख्यात अपराधी हनुमान पांडे उर्फ राकेश पांडे को आज एसटीएफ टीम ने लखनऊ में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया है। हम इस वक्त लखनऊ के सरोजी नगर इलाके में मौजूद हैं और ये वही जगह है जहां पर आज सुबह मुठभेड़ हुई। एसटीएफ टीम के मुताबिक हनुमान पांडे उर्फ राकेश पांडे, जो कि इनामी बदमाश है, मुख्तार अंसारी गैंग का शार्प शूटर था। राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे पर कई संगीन वारदातों का इल्जाम था। इनमें सबसे अहम विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड था। मऊ के डबल मर्डर में भी वो मुख्तार के साथ आरोपी था। लखनऊ समेत आसपास के 4 जिलों में उसका आतंक था। उस पर मर्डर से लेकर गैंगस्टर एक्ट तक के कई केस थे। मुख्तार अंसारी के साथ वो मुन्ना बजरंगी का करीबी था। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद उसका कद बढ़ गया था। इसके बाद वो मुख्तार अंसारी गैंग का बड़ा शूटर बन गया था। यूपी में कई बड़े बाहुबलियों का आतंक है। इन पर अब यूपी सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।